आज का प्रेरणा पाते ब्रह्मचर्य की साधना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में चर्या करना, ब्रह्म का मतलब ईश्वर, ईश्वर प्राणी ध्यान करना, ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर की चांटिंग करना और ईश्वर को अपने जीवन का एक साध्य मानना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की दूसरी परिभाषा ये है कि हमारी जो पांच इंद्रियां जो विषय बाहर से लेती है और बाहर भटकती है तो लुभा लुभा करके और हमको खराब कर देती है, बिगाड़ देती है, उन इंद्रियों को भीतर की ओर खींचना भी ब्रह्मचर्य है। और जो हम सामाजिक दृष्टि से ब्याह शादी जो ग्रस्त के लिए अलाउड किया गया है उसका कंट्रोल करना, स्वदार संतोष करना, अपनी एक पत्नी को छोड़ करके विश्व की समस्त औरतें छोटी है तो वो बहन है बराबरी, छोटी है तो बेटी है बराबरी है तो बहन है, बड़ी है तो माता है और ज़्यादा बड़ी है तो दादी है नानी, उस दृष्टि से देखना, उसको सम्मान की दृष्टि से देखना, यह भी गृहस्थ के लिए एक ब्रह्मचर्य का रूप है। दृष्टि संयम होना ये ब्रह्मचर्य का रूप है, लंगोट का संयम होना ये ब्रह्मचर्य का रूप है। और ये साधना साधु को तो पूर्ण रूपेण करनी पड़ती है क्योंकि ब्रह्मचर्य महाव्रत है तो उसकी तो ये साधना का एक संपूर्ण अंग है, लेकिन गृहस्थ के लिए भी आंशिक रूप से ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य की आंशिक रूप से गृहस्थ साधना करता है तो इस समाज के अंदर जो वेश्यावृत्ति है और समाज के अंदर जो बुरी चीज़ें चल रही है वो सब मिट सकती है। और प्रेम प्रेमिका प्रेमिका से संबंध है, अपनी पत्नी को छोड़ देना, ये जो सारी जो गलत चीज़ें हैं ये जो डेवलप हो रही है सारा ब्रह्मचर्य की वजह से हो रही है, इसको रोका जाना चाहिए। और हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की साधना में रुचि रखनी चाहिए।